आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पर हमें कथन दिया गया है, साथ में यहाँ पर हमें कारण दिया गया है। हमें दोस्तों इसका सही निष्कर्षण यहाँ पर निकालना है कि इसका सही निष्कर्षण यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें इसका सही निष्कर्षण निकालना है। साथ में चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कथन को कि कथन हमें यहाँ पर सत्य दिया गया है या फिर असत्य दिया गया है। कथन में दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें जो कथन दिया गया है ये क्या है दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है, ये हमारे कम क्रियाशील होते हैं। जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका कारण दिया गया है। अब हम यहाँ पर इसके कारण को देखते हैं, कारण हमें सही दिया गया है या फिर गलत दिया गया है। तो कारण में हमें यहाँ पर बोला गया है कि समस्त समावयवी पैराफिन का समान पृत नाम होता है, ये हमें बोला गया है। तो कारण तो हमें दोस्तों यहाँ पर सत्य दिया गया है, परंतु दोस्तों ये जो हमारा कारण है यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता, क्योंकि कथन में हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्रियाशीलता के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर हमें जो है कारण जो है यह समावयवी जो हमारा पैराफिन है इसके समान पित्र नाम होता है, ये हमें यहाँ पर बोला गया है। क्योंकि इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ये जो हमारा समावयवी है पैराफिन इसका नाम समान होता है, इसके बारे में बोला गया है। तो कारण तो हमारा सत्य है, परंतु हम कह सकते हैं कि यह कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा जो है कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं देता। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो सही कारण होगा वो क्या होगा, सही कारण ये होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता कम क्यों होती है, क्योंकि कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, एकल बंध की उपस्थिति के कारण होती है। तो हम कह सकते हैं कि सही कारण क्या होगा, सही कारण होगा कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही कारण होगा। और यहाँ पर जो हमें कारण दिया गया था वो तो हमारा सत्य था, परंतु यह कथन के लिए सही निष्कर्षण नहीं था। तो हम दोस्तों देखते हैं अब हमारा कौन सा निष्कर्षण सही होगा। पहला जो हमें दिया गया है इसमें बोला गया है कि कथन और कारण सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, यह बोला गया, सही स्पष्टीकरण देता है बोला गया, तो यह ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यह जो हमारे कारण दिया गया था यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। ऑप्शन बी में हमें यही बोला गया है, सही स्पष्टीकरण नहीं देता, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमें कारण को गलत बताया गया है तो ये गलत होगा, यहाँ पर दोनों को गलत बताया गया है तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।